हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि हम मैथ्स पेडागोजी का। मैं आपको कह रहा था कि 2012 से लेकर 2018 तक के पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाए गए हैं उसकी एक सीरीज लेके आऊंगा, जिसकी मैंने आपको एक वीडियोस दे दी थी। आज हमारी उस सीरीज की सेकेंड वीडियो है। अगर आपने पहली वाली वीडियोज देखी होंगी तो आपको पता होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी उस सीरीज की दूसरी वीडियो है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि कक्षा कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्या को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। देखिए क्या बोल रखा है, कक्षा कक्ष में गणितीय भाषा। अब गणितीय भाषा कौन कौन सी होती है, तो ध्यान रखिएगा, गणितीय सूत्र, गणितीय संकेत, शब्दवाली या पद या प्रत्यय या फिर अवधारणा या फिर गणितीय सिद्धांत, ये सारी की सारी क्या होती है, आपकी गणितीय की भाषा होती है। लेकिन उसको क्या लगाना, हमें क्रम में लगाना है। तो पहला ऑप्शन देखो क्या बोल रखा है, रोजमर्रा की भाषा, गणितीकरण समस्या समाधान की भाषा, गणितीकरण स्थिति भाषा या प्रत्यात्मक भाषा। तो लास्ट में देखो क्या बोल रखा उसने, प्रतीक्यात्मक, यानी कि जो आपके सिंबॉलिक लैंग्वेज होते हैं, यानी कि जो साइन वगैरह बनते हैं, वो तो आपका सही बात है, सबसे लास्ट में आना चाहिए और सबसे पहले रोजमर्रा की भाषा ही आनी चाहिए। लेकिन गणितीय समस्या समाधान, इससे पहले आप उसे संकेत तो दोगे, आप उसे सूत्र तो बताओगे, आप उसे शब्द वाली तो बताओगे, तभी तो इसकी समस्या समाधान करेगा। ओके, तो ये वाला पैटर्न तो आपका गलत हो गया, पहला और लास्ट वाला तो ठीक है, वो बिल्कुल आपका ऐसा ही होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रखा है, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, ये तो शुरू में ही बता रखे इसने, गणितीय समाधान की भाषा नहीं, इस स्थिति में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आपका लेवल आना चाहिए कम से कम तीसरे नंबर पर, जब जाकर आप इस चीज को सही करोगे। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रखा उसने, रोजमर्रा की भाषा, बिल्कुल सही बात है, गणितीय स्थिति की भाषा, चाहे आपकी वो स्थिति में कोई सी भी भाषा हो, गणितीय सूत्र हो, गणितीय संकेत हो, शब्द वाली हो, पद हो, अवधारणा हो, बिल्कुल सही बात है, दूसरे स्थान पर आपकी उसकी भाषा ही आनी चाहिए। तीसरी होती है गणितीय समस्या समाधान की भाषा, बिल्कुल सही बात है कि गणितीय का जो समस्या है उसकी समाधान के लिए आप किस प्रकार की भाषा करोगे, उन पांचों में इस्तेमाल। और लास्ट में आपकी प्रतीकात्मक भाषा यानी कि सिंबॉलिक लैंग्वेज, ये बिल्कुल पैटर्न आपका सही है। सबसे पहले आप रोजमर्रा की भाषा इस्तेमाल करोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चा कैसे भी प्रकार की स्थिति में उसकी जो रोजमर्रा का दैनिक जीवन की जो लैंग्वेज है उसी में उसको पढ़ाना या सिखाना चाहिए, जिसमें बच्चा क्या करता है अपने सीखने सिखाने की प्रक्रिया में काफ़ी अच्छा योगदान करता है। दूसरा, गणितीकरण स्थिति भाषा, यानी कि जो गणितीकरण की जो भाषा है, उन पांचों भाषा में से आप किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करोगे उस चीज़ के लिए ध्यान रखना, और फिर उस समस्या समाधान के अनुसार उस समस्या का उस भाषा का चयन करना, और लास्ट में उसको सिम्बल्स या प्रतीकात्मक द्वारा या फिगर द्वारा उस चीज़ को समझाना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापन विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है, क्रम उत्तम है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या बोल रखा है, श्रेणी क्रम उत्तम है, ये नहीं बोल रखा कि कौन सा कम उत्तम है, बेस्ट पूछा है यहाँ पर। ओके, क्रम और कम में दोनों में यही अंतर है, ध्यान रखिएगा, थोड़े लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये मैंने अपने क्वेश्चंस में बना रखे हैं 2012, 13, 14, 15, 16, 17 या 18 में पूछे गए क्वेश्चंस किसी न किसी प्रकार से हैं। तो दोबारा आपको क्या बोल रखा है, लंबाई का मापन यानी कि इंग्लिश में मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ जिसे कहते हो, उसको पढ़ाने के लिए आप कौन सी श्रेणी बिल्कुल सही मानोगे। तो देखिए, जब भी आप मेजरमेंट पढ़ाते हो, मेजरमेंट करते हो, उसमें आप सबसे पहले क्या करते हो, तुलना ही तो करते हो ना, मतलब दूसरे के बीच में कंपेयर करते हो, कंपैरिजन करते हो कि कौन सा फिगर है, मतलब ट्राइंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, क्या है, उस चीज की तुलना करते हो, और फिर उसके बाद में क्या करते हो, या उसके बाद में आप नॉन स्टैंडर्ड द्वारा मेजर करते हो, चाहे हाथ से, पेंसिल से, या रियल स्टेंसिल से, स्केल से, या फिर किसी भी प्रकार के उपकरण से आप उसका इस्तेमाल करते हो, फिर क्या करते हो, उसमें स्टैंडर्डाइज फॉर्म लाते हो, मतलब अब उसके बाद, पहले पेंसिल हाथ से तो आपने मेजर कर लिया बिना नॉन परमानेंटली किसी चीज से संविधान से, फिर उसके बाद क्या, अगर आपने स्केल, डिवाइडर या फिर आपका डी किसी भी प्रकार की चीज से इसको मेजर करते हो, और लास्ट में क्या करते हो, उसके स्टैंडर्ड यूनिट्स निकालते हो, मतलब उसकी प्रमाणिक इकाइयां विकसित करते हो। तो इस प्रकार का आपका देख लीजिए क्या है, पहला ऑप्शन क्या बोल रखा है, तुलना करना, बिल्कुल सही बात है, पहले आप कंपैरिजन करते हो, फिर उसके बाद में अपरिणाम मापों का उपयोग करना, मतलब नॉन स्टैंडर्डाइज चीज़ों का मेजर के द्वारा इसका इस्तेमाल करना, बिल्कुल सही है। फिर तीसरा, आपका प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करना, मतलब यूजिंग स्टैंडर्डाइज मेजर्स, ये इसका गलत फॉर्म हो गया, ये आपका क्या बोल रखा है इसमें, इसने स्टैंडर्ड यूनिट्स कर रखा है, मतलब प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करना, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट को पहले ही डेवलप कर रहा है,
वो आपको स्टैंडर्ड यूनिट को डेवलप नहीं करना है, स्टैंडर्ड मेजर को डेवलपमेंट करना है कि किस प्रकार से डी डिवाइड या फिर आपका कंपास का इस्तेमाल करा है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा बोल रखा है कि तुलना करना, बिल्कुल सही बात है, कंपेयर करा जा रहा है। फिर उसमें अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना है, सही है, नॉन स्टैंडर्डाइज, जैसे हाथ से नाप लेना कि क्या है कैसे बना लेना, फिर पेंसिल का इस्तेमाल कर लेना, उस चीज़ का इस्तेमाल कर लिया गया। फिर कराया प्रमाणिक मापों का उपयोग, मतलब जो रियल स्टेंसिल्स होते हैं जैसे कि स्केल्स हो गया, आपके डिवाइडर हो गया, आपका डी हो गया, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना। और फिर बाद में उसका प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करना, मतलब स्टैंडर्डाइज यूनिट को डेवलप करना लास्ट में कि क्या निकला और क्या नहीं निकला, और यही आपका बिल्कुल सही होना चाहिए लंबाई को मापने का फॉर्मूला। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमा सम और विषम संख्याओं की संकल्पनाओं को समझ नहीं पा रही है, उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने भिन्न रंगों वाले 20 कंकड़ लिए हैं और उससे उनके जोड़े बनाने के लिए कहा है, साथ ही 1 से 20 तक की संख्याओं को छांटने के लिए कहा है जिन कंकड़ों को के जोड़े बन पाए और जिन जोड़ों जिनके जोड़े नहीं बन पाए। तो उमा, तो यहाँ पर क्या कर रही है उसकी शिक्षिका, सम और विषम सिखाने के लिए कंकड़ यानी कि जो आपकी कॉन्क्रीट्स होती हैं उनका इस्तेमाल करा जा रहा है, और वो भी किस प्रकार के रंगों के 20 कंकड़ लिए गए हैं और उसको बोला गया है जिसके जोड़े बन रहे हैं उसको अलग गिनो और जिसके जोड़े नहीं बन रहे उसको अलग गिनो। तो किस प्रकार से किया जा रहा है, सारी की चीज़ें सारी उसको करके दिखाई जा रही है, मतलब और हाथ से गिनेगी ना तो हस्तपरक आ जाती है, और हस्तपरक कहाँ पर आती है आपकी, काइनेस्टिकल, मतलब सारी चीजों को खुद करके देखा जा रहा है। तो काइनेस्टिकल को हिंदी में क्या कहा जाता है, गतिक शिक्षार्थी कहा जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर है आपका, कायिक गतिक शिक्षार्थी है, मतलब काइनेस्टिकल लर्नर है, वो सारी की चीजें कर कर देख रही है। और तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या संक्रियाएं चिन्हों सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है, यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समस्या है। तो किस रिगार्डिंग उस चीज को समस्या है, किसी भी चीज को देखो, संख्या में, संक्रिया चिन्हों में, सिक्कों में एवं घड़ियों की सुइयों में अंतर नहीं कर पा रहा है, अंतर नहीं कर पा रहा है तो क्या करना, मेन रीजन क्या होगा, उसको सही तरीके से देख नहीं पा रहा होगा, उस चीज को समझ नहीं पा रहा होगा। तो किस चीज की प्रकार की उसको प्रॉब्लम हो सकती है, विजुअल, अगर वो सही तरीके से देखेगा तो घड़ी की सुइयां अलग होती है, संख्या अलग होती है, सक्रिय चिन्ह अलग होते हैं, सिक्के अलग होते हैं, सारी चीजें अलग होती है, अगर सही तरीके से देखता तो उस चीज को आराम से वो डिफ्रेंशिएट कर पाता। तो किस की प्रॉब्लम थी उसको, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है, दृश्य प्रकरणम, जिसको इंग्लिश में विजुअल कहा जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़े के रूप में बता रही है, उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का समूलन कर गुणा के रूप में बताती है, तत्पश्चात चिन्ह एक्स से परिचित करती है तथा अंत में गुणाफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखा तथा माचिस की तिलियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकल्प करती है, यह अध्यापिका कर रही है। तो क्या कर रही है, देखो पहले अलग अलग चीजों से कर रही है, वो गुणा को बार बार सिखाने के लिए जोड़े के रूप में इस्तेमाल कर रही है, उसके बाद वस्तुओं का समूकलन गुणा करने के लिए वो एक्स तथा चिन्हों का इस्तेमाल कर रही है, तथा आड़ी तिरछी तिरछा रेखाओं का इस्तेमाल कर रही है, तथा माचिस की तिलियों की सहायता से छोटा क्रियाकल्प करती है वो। तो सारी चीजें करके दिखा रही है अलग अलग तरीके से। तो क्या होगा इसका आंसर, पहला, कक्षा में आनंददायी बनाने के लिए तरह तरह के प्रस्तुतिकरण, दूसरा, मूर्त से अमूर्त संप्रत्य की ओर के रूप में एक पाठ का विकास, तीसरा, विभिन्न अधिगम शैलियों वाले शिक्षार्थियों का ध्यान रखना, और ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर है कि हर चीज का, कभी वो एक्स सिंबल का इस्तेमाल कर रही है, कभी माचिस की तिल्ली का इस्तेमाल कर रही है एक्टिविटीज के द्वारा, कभी जमा के रूप में सिखा रही है, मतलब हर प्रकार के शिक्षार्थियों का ध्यान में रखते हुए वो हर प्रकार की शैली का इस्तेमाल कर रही है, करके भी दिखा रही है, जो आंखों से देख सकते हैं उसका भी दिखा रही है, या फिर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया से सीख सकता है वो भी करके दिखा रही है, मतलब हर शिक्षार्थी का ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि हर शिक्षार्थी अलग होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा संख्या सक्रियाओं को संकेत घड़ी के दो कांटों, विभिन्न सिक्के आदि में अंतर करने में कठिनाइयां प्रदर्शित करता है, इसका निर्धारित है जो विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही हैं वह है। ये क्वेश्चन तो दोबारा रिपीट हो गया, अभी आपको बताया था, लेकिन वहां पर क्या है, थोड़ा सा एक ऑप्शन में आंसर दे रखा था कि विजुअल, यानी कि उस सही तरीके से वो दृश्य नहीं देख पा रहा था, लेकिन यहाँ पर देखो क्या ऑप्शन दे रखा है, पहला,
कमजोर चक्षु प्रक्रम योग्यता, जैसे चक्षु विभेदीकरण, स्थानीय संगठन और चक्षु सामान्य, यानी कि सारी की सारी चीजें यहाँ पर क्या करा जा रही है, विजुअल करी जा रही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, वो कमजोर चीजों को देखने में प्रकरण योग्यता, जैसे कि चक्षु विभेदीकरण मतलब देखने में उसका विभेद नहीं कर पाता, स्थानीय संगठन नहीं कर पाता, उसके बीच में अंतर नहीं कर पाता, वो सारी की सारी चीजें यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन चेंज कर दिया है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर एड कर दिया था। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देखो, यहाँ पर भाषा प्रकरण बोल रखा कमजोर, अगर आपका भाषा कमजोर है तो आप दूसरों चीजों को तो पहचान ही सकते हो ना, भाषा से क्या मतलब, गति कौशल से भी आपका कोई मतलब नहीं है वहां पर, क्योंकि सारी चीजों में अंतर करा जा रहा है, और कमजोर शाब्दिक से भी वहां पर कोई प्रकार से डिफरेंस नहीं पता, ये तीनों की तीनों चीज लैंग्वेज से प्रकार कर रखी है, लेकिन वहां सारी चीजें क्या है, विजुअल है, देखने पर प्रतिक्रिया का, एक घड़ी के कांटे हो, संकीर्ण के संकेत हो, सिक्के हो, या फिर किसी अन्य चीज प्रकार की जो देखने वाली हो, उसमें आपका मेन रीजन क्या है, देखने में जो कमजोरियां है आपको उसके कारण वो प्रस्तुत हो रही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थी की गणितीय निष्पादन अवरोध के साथ संबंधित चक्षु स्मृति अवरोध का संभावित संकेत है। तो संभावित संकेत कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जो आपकी पॉसिबल्स इंडिकेटर्स होते हैं, जो विजुअल्स मेमोरी होती है, उसके अंदर जो अवरोध संबंधित संकेत होते हैं वो कौन से हैं। तो पहला क्या बोल रखा है, एक क्रम में गणना करने में कठिनाई, छोटे परिचलनों के साथ व्यवहार करने में कठिनाई, गणित संबंधित तथ्यों के साधारणत में अयोग्यता और समय बताते या ने कठिनाई, या फिर संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपकी इस प्रकार की डिफिकल्टीज होंगी गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ देखने वाली, तो आप उसमें क्या करोगे, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था कि गणित संबंधित तथ्यों के साधारणतः में अयोग्यता और उसके साथ साथ में समय बताने में भी आपको कठिनाई आएगी। आप वो क्या कर रहे हो, सारी चीजें क्या हो रही है वहां पर, आपके जो पॉसिबल्स इंडक्टर्स होते हैं, विजुअल जो मेमोरी होती है आपकी, जो आप जिसके कारण आप नॉलेज ग्रैप करते हो देखकर सुनकर समझकर, तो आप में उसमें कहीं ना कहीं अवरोध आ रहा है। अवरोध आने के कारण तो एक तो आपकी गणित संबंधित तथ्यों जो आएंगे उसको समझने में दिक्कत आएगी, और दूसरा आपको समय बताने में भी, क्योंकि समय बताना भी एक मैथमेटिशियन कहीं ना कहीं उसके अंदर आता है गणित का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT की कक्षा चौथी की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं, कबाड़ी वाला, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ कुछ ऐसी दिखती है, यह परिवर्तन किया गया है। तो ये किस लिए परिवर्तन किया गया है, तो देखो चैप्टर्स किस प्रकार के हैं चौथी क्लास में, कबाड़ी वाला है, भोपाल की सैर है, दुनिया कुछ इस या फिर ऐसी दिखती है, वो सारी चीज़ें क्या करा जा रहा है, वो सारी चीज़ें आपकी जो रोज़मर्रा की जीवन है, जो दैनिक जीवन है, उस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि आपके दैनिक जीवन में भी कबाड़ी वाले होते हैं, भोपाल की सैर या किसी और से राज्य की या देश की या फिर आपके अन्य चीज़ों की शेयर कर सकते हो, ये दुनिया कुछ किस किस प्रकार से दिखती है उसके बारे में विस्तारित रूप से जानकारी दे रखी है। तो वहाँ पर क्या करा जा रहा है, आपका इंटरेस्ट बनाया जा रहा है दैनिक जीवन की चीज़ों में। तो पहला क्या बोल रखा है, पाठों में गणितीय विषय वस्तुओं का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए, दूसरा है उन्हें अलग सा समझने के लिए या समझाने के लिए, और तीसरा आपका दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए, या फिर कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपके अंदर रोचन पैदा इस्तेमाल किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है, उसमें विकसित किया जा रहा है दैनिक जीवन की चीज़ों से जुड़ने के लिए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो, बच्चों को उनके आकार देखने में और यह समझने में कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और कुछ फिसलती हैं सहायता करें। स्रोत, गणित के जादू, NCERT की कक्षा दूसरी की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव या समझाने में शिक्षार्थियों या शिक्षक की सहायता करते हैं कि, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या कर रखा है कि कुछ बच्चों को पर्यावरण की जो वस्तुएं होती हैं कुछ लुढ़कती हैं कुछ फिसलती हैं, इन चीज़ों का बताने के लिए समझाने के लिए स्रोत कहाँ से लिए जा रहे हैं, गणित की जादू यानी कि गणित की जो बुक है वो है दूसरी क्लास की, और NCERT कक्षा दूसरी क्लास की पाठ्य पुस्तक, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये सोर्स तो हो गए, लेकिन इन चीज़ों में सीखने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही है और ये शिक्षक किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं वो करना है। पहला,
चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। दूसरा, आसपास की चीजों के बारे में बच्चों को ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। तीसरा, निर्देशन में सुप्रेरित चर्चा विद्यार्थियों की संकल्पना को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। या लास्ट, चर्चा बहुविधीय परिप्रेक्ष्यों को कक्षा में स्थान देती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था कि निर्देशन में सुप्रेरित चर्चा विद्यार्थियों की संकल्पना को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। आपने अलग अलग सूत्र से इस्तेमाल करा, उस चीज के ऊपर आप क्लास में चर्चा कर रहे हो, विद्यार्थियों की संकल्पना को समझ रहे हो, उनके क्वेश्चनों को पुटअप कर रहे हो, उसके बारे में अच्छे तरीके से बताने की समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या होगा, बच्चा अच्छे तरीके से उस चीज को सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा चौथी की पाठ्य पुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है। मल्टी डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स की बात करी जा रही है, ओके, और कौन सी क्लास की, कक्षा चौथी की पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याओं में। पहला ऑप्शन क्या बोल रखा है, दी गई आकृतियों में कितनी समितियां रेखा है। दूसरा, किसी दी गई ज्यामितीय आकृतियों में एक सममित रेखा खींचिए। तीसरा, भारत के झंडे का आरेखा बनाइए और झंडे में समिति रेखाओं की संख्याओं की पहचान कीजिए। ये दी गई आकृतियों की दर्पण छवि या प्रतिबंधों का आरेखा बनाइए। देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या करा जा रहा है, किस प्रकार की जा रही है, कक्षा फोर्थ की जो प्रॉब्लम्स है वो मल्टीपल डिसिप्लिन की थ्योरी, यानी कि जो आपका बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है, उसका आप पता करने के लिए या निम्नलिखित समस्याओं को पहचान करने के लिए आप क्या करोगे। तो सबसे ऑप्शन नंबर बेस्ट इसका सही होगा, थर्ड, क्योंकि भारत का जो झंडा है उसका आरेखा बनाने के लिए कहा गया है, जो कि दैनिक जीवन की चीज़ है, बच्चों ने उसको देखा है दिन प्रतिदिन, हर रोज सुबह प्रेयर में कभी ना कभी स्कूलों में वो देखते होंगे। तो उस झंडे की समिति बनाने के लिए कहा गया, उसमें रेखा जो खींची गई है उसकी पहचान, जो कि 24 डंडियां खींची रहती है अशोक चक्र में, उसकी पहचान करने के लिए, उस रेखा को चिन्हने के लिए आप करोगे, तो क्या हो गया, आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज का भी ज्ञान करवा रहे हो और उसको नया नॉलेज भी मिला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की वर्तमान NCERT पाठ्य पुस्तक डैश की ओर अनुशासन को ध्यान में रखकर लिखी गई है। तो NCERT की जो वर्तमान में NCERT की जो बुक्स लिखी गई हैं, पाठ्य पुस्तक लिखी गई हैं, वो किसकी ओर संकेत या किसका ध्यान में रखकर लिखी गई हैं। पहला, 2006 में CBSE द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम के, या 2006 के राज्य बोर्ड द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम के, या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की। तो ध्यान रखिएगा, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 यानी कि 1986 यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 1986 की सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, नेशनल पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए सारी की सारी NCERT बुक्स लिखी जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक का चयन किस समय हम किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए हमें पाठ्य पुस्तक को चुनते हुए गणित की। पहला, प्रश्नावली के सर प्रश्न हल किए गए हों, यानी कि जो भी आपके अभ्यास के लिए दिए गए उसका हल हो। दूसरा, पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली में प्रश्न हो, मतलब पर्याप्त मात्रा में उसमें उदाहरण हो, मतलब एग्जाम्पल्स हो, और उसके देने के लिए अभ्यास करने के लिए प्रश्न हो। दूसरा, उदाहरण ज़्यादा तथा प्रश्नावली में प्रश्न कम हो, मतलब एग्जाम्पल्स आपके ज़्यादा हो, प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन हो वो कम हो, उदाहरण कम हो और प्रश्नावली में प्रश्न ज़्यादा हो, मतलब एग्जाम्पल्स कम हो लेकिन आपका प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन ज़्यादा हो। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ना ही कम हो और ना ही ज़्यादा हो, मतलब पर्याप्त मात्रा में उदाहरण हो और आपका अभ्यास करने के लिए प्रश्नावली में, यानी कि जो आपके वहाँ पर प्रैक्टिस सेट्स होंगे वो भी आपके पर्याप्त मात्रा में हो, ना ही आपका प्रैक्टिस सेट्स कम हो और ना ही आपके एग्जाम्पल्स कम हो, दोनों का क्या हो, पर्याप्त मात्रा में हो। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की पाठ्य पुस्तक के विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को संवेक्षित करने का उद्देश्य है। तो गणित की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें प्रकरण जो आपके प्रकरणों में खंड होते हैं उसको अभ्यास, जिसे आप प्रैक्टिस टाइम कहते हो, उसको इंक्लूड करने का मेन एम क्या है। तो पहला, आपका दैनिक जीवन चर्चा में बदलाव करना। दूसरा, समय का बेहतर शुद्ध उपयोग सुनिश्चित करना। तीसरा, विस्तृत अधिगम को अवसर प्रदान करना या विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड देखने से पता लग जाता है कि विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना, मतलब जो आपके एक्सटेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपको प्रोवाइड कराना मेन उनका रीजन है, और वो भी सही बात होना चाहिए और सही होना चाहिए। जो अभ्यास जो प्रैक्टिस टाइम होता है उसके अंदर उसका मेन अवसर यही होता है कि आपको सीखने सिखाने के लिए अधिक से अधिक अधिगम अवसर प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में एक सवाल है, निम्नलिखित समस्याओं को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग किया जाए। एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है। 10 दिन में उसने 1410 लीटर दूध बेचा और वह एक दिन में कितना लीटर दूध बेचता है उसके बारे में पूछा गया है। उपयुक्त दक्षता की ओर ब्लूम का कौन सा संज्ञानात्मक पक्ष संकेत है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी मैंने आपको करवाई थी, उसके अनुसार यहाँ पर किस प्रकार की लगाई गई है वो बताना है आपको। तो बोध, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक या ज्ञान। तो आपको यहाँ पर क्या करा जा रहा है, एनालिसिस करा जा रहा है। मतलब 1410 को आप 10 से डिवाइड करोगे, मतलब अलग अलग करोगे, मतलब विश्लेषण करोगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था कि आप विश्लेषण ही तो करोगे उस चीज को, आपको सॉल्व करोगे। सारी चीज को सॉल्व करने के बाद ही तो आप सारी चीजों का संकेत निकाल पाओगे। अलग अलग करना, संश्लेषण क्या होता है इकट्ठा करना, विश्लेषण क्या करना उसके बारे में विस्तारित चर्चा करके कि किस प्रकार से क्या होता है। मतलब 1410 को 10 से डिवाइड करोगे तो एक दिन का दूध निकल आएगा और उसी प्रकार का विश्लेषण करा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था, एनालाइज कर रहे हो आप उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं हैं। तो विशेषता आपकी क्या होगी, पहला उसमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हो, दूसरा स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पना का परिचय दिया गया हो, तीसरा केवल हल्के गए अभ्यास शामिल किए गए हो, और चौथा उन्हें मोटिव भारी होना आवश्यक है। तो इन चार ऑप्शन में से आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना है। पहला बोल रखा है उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं। तो देखो, बहुत सारे अभ्यास नहीं, पर्याप्त मात्रा में अभ्यास होने चाहिए, बहुत भी नहीं होने चाहिए और कम भी नहीं होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पना का परिचय दिया हो। ये तो बिल्कुल सही आंसर है, जो आपका स्थितियां हो उस अनुसार जो आपकी बुक हो उसकी सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया गया हो, तो बा बिल्कुल सही है। तीसरा आपका केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हो, ये तो बिल्कुल गलत है। मैंने आपको बोल रखा है केवल किंतु परंतु जितनी बार दे रखा होगा ना आपका 99.9% हमेशा गलत होगा। और यहाँ पर बोल रखा है केवल हल किए गए प्रश्न किए गए हो, अब बिल्कुल ही बुक में आपके हल किए गए हो तो आपके प्रैक्टिस करने के लिए कुछ होगा ही नहीं, तो बुक किस प्रकार की सही होगी। तो सा बिल्कुल गलत हो गया। नेक्स्ट है आपका द, उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक है। ये आपका बिल्कुल गलत है कि कोई भी बुक मोटी या भारी होगी तो वो अच्छी ही होगी, कभी भी ऐसा नहीं होता है और ना ही मानना चाहिए हमें। तो स और द तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है, लेकिन हमें दो ऑप्शन चुनना है। तो देखो, पहले ऑप्शन में स है गलत, दूसरे ऑप्शन में आपका स है गलत, तीसरे ऑप्शन में आपका द है गलत। तो तीन ऑप्शन तो आपके यहीं से हट जाए, बचा आपका एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फोर्थ, और वही सही आंसर है। बा तो बिल्कुल सही था, आ मान लेते हैं। तो उसने बोल रखा है उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हो। देखो, वैसे अभ्यास करने के लिए तो होने चाहिए लेकिन पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यहाँ पर तो बोल रखा है बहुत सारे, लेकिन हमें ऑप्शन में से चुनना था, इसलिए हम ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही मानेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा पर्याप्त मात्रा में अभ्यास होना चाहिए, उसी को हम सही मानते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर था। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आज के आपके सीरीज में, इसी सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे, यूं ही चलती रहेगी। तो टोटल क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन आज ठीक हुए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।